संयुक्त राष्ट्र में शनिवार को भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि इमरान खान का भाषण नफरत से भरा था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने कहा कि इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का गलत इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शनिवार को भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण पर करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी विदिशा मैत्रा ने राइट टू रिप्लाई के अधिकार का इस्तेमाल कर इमरान खान के भाषण पर जवाब दिया। विदिशा मैत्रा ने कहा कि इमरान खान का भाषण नफरत से भरा था और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच का गलत इस्तेमाल किया। साथ ही पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कई सवाल किए। Here are a few questions that Pakistan can respond to as a precursor to the proposed verification. Can Pakistan confirm the fact that it is home to 130 UN-designated terrorists and 25 terrorist entities listed by the UN as of today? Will Pakistan acknowledge that it is the only government in the world that provides pension to an individual listed by the UN in the Al-Qaeda and Daesh sanctions list? Can Pakistan explain why, here in New York, its premier bank, the Habib Bank, had to shut shop after it was fined millions of dollars over terror financing? Will Pakistan deny that the Financial Action Task Force has put the country on notice for its violations of more than 20 of the 27 key parameters? And finally, would Prime Minister Khan deny to the city of New York that he was an open defender of Osama bin Laden? इससे पहले शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से करीब 50 मिनट तक दिए अपने भाषण में इमरान खान परमाणु युद्ध का राग अलापते हुए आधा समय कश्मीर और भारत पर ही बोले। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।